धन्यवाद रणदीप जी, अमरिंदर सिंह जी, झाकर जी, प्रनीत कौर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन तीन काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है। और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब भविष्य में, पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सवाल पूछिए। इफ यू रेज हैंड्स, आई विल गो वन बाय वन। वील गो विद यू आनंद जी। Just wait for the mic, you raise hands, I'll note down and then we'll do it in an orderly fashion. Rahul ji, you are on the Kheti Bachao Mission, but before this, aap Beti Bachao Mission mein the, Hathras ja rahe the, hamare saamne humne dekha tha, police ne kaise aapko dhakka diya, uske baad Priyanka ji ke saath haathapai hui, kareeb 500 Congress workers ke khilaaf FIR ho gayi hai, journalist pe bhi FIR ho rahi hai. Yogi sarkar ke is ravaiye par kya kahenge sir? Pure desh ko धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर, मैं आपसे एक अनुरोध, जो धक्का, जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए, जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, you have a son, you don't have a daughter, so maybe you will not understand this, people who have daughters will understand it, you might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with, you will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house. And then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out. And then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था, और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है, और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते,
इंटरेस्टिंग बात है. थैंक यू सर. मे आई मेक वन रिक्वेस्ट. आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि राहुल जी ने सुओमोटो में 3 किसान बिलों की आपसे चर्चा की है. पहले उससे जुड़े सवाल ले लें और फिर कोई और प्रश्न हो तो वो लेंगे. रमन जी फ्रॉम न्यूज 24. सर, आई हैव नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू कम टू एवरीवन. सर, जो किसान के 3 अध्यादेश के बारे में आप लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशविरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया. अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं. वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे. और अगर बाकी वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा. देखिए, बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पर आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया. फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया. मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला. उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी. कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो 100-200 लोग, वैसे ही मर गए. आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, को खत्म कर दिया है ये देश. और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं. अब देखिए, समझ किसको है किसको नहीं है. एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में यह लड़ाई जीती जाएगी. समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा. एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है. उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे. और अब मैं आपको बता रहा हूं और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं. 2 चीजें आपसे कहूंगा. पहली बात, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा. नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है. अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है. अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा. ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो. 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख लेना. ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं. ये एक प्रकार से किसान का, फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है. किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता. अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की. 2 नाम दे सकता हूं आपको, अंबानी, अदानी. ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी. और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है. उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो, और हमारे लिए रास्ता खोलो.
अब मजाक कौन कर रहा है ये आपको डिसाइड करना है। रमन जी, आई विल कम बैक टू यू, वी हैव टू, आई विल कम बैक टू यू, वी विल गिव यू अ सेकंड क्वेश्चन। क्या भाई, ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम पर असर पड़ेगा, जो आपको, जो जब आप अनाज खरीदते हो मार्केट में, आप खरीदते हो, जो आपको प्राइस मिलती है वो प्राइस आपको इसलिए मिलती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। जब गरीब व्यक्ति को राशन दिया जाता है वो राशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को ही तोड़ देंगे तो आने वाले समय में आपसे भी ज्यादा पैसा लिया जाएगा। सिर्फ ये सिर्फ देखिए, लोगों ने कहा हां ठीक है जीएसटी कर दी तो हमारा क्या नुकसान है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को नुकसान होगा मगर जो कंज्यूमर है उसको क्या नुकसान होगा, बट नुकसान होगा क्योंकि जब वो कलैप्स करेगा आप कलैप्स करोगे। तो हिंदुस्तान में सब चीजें कनेक्टेड है और अगर आप एक चीज को छूओगे तो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, सुना होगा आपने। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है ये सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है, ये अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश को झूठ बोला। भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी है, मानो ना मानो। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे, वो आपसे इतना डरते क्यों है? थैंक यू, आई विल कम टू यू भाई साहब। कैन वी हैव रमनदीप फ्रॉम पंजाब केसरी जगबानी, आई विल कम बैक। मैं बताता हूं वो क्यों डरते हैं आपसे, मैंने बात सोची। रीजन एक ही है, चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी ये कारण, इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में। तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी फीलिंग है कि शायद नरेंद्र मोदी ये जो तीन कानून है इनको समझते ही नहीं, मेरी असेसमेंट। राहुल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि जीएसटी, लॉकडाउन और नोटबंदी ये गवर्नमेंट का फेलर है, बट ऑन द अपोजिट साइड बीजेपी का कहना है कि ये हमारी अचीवमेंट है। वो दूसरी बार जीतने का भी हवाला देते हैं कि इसके बावजूद हमने इलेक्शन जीती, तो ये नजरिया अलग अलग क्यों है? और आपके अच्छा बताइए, ये जो चाइना को 1200 किलोमीटर दिया है ये भी इनका अचीवमेंट है क्या? नहीं, बीजेपी बोल रही है सर ऐसा कि ये बोल रही है कि उनका अचीवमेंट है कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमने चाइना को दे दिया। उसका नहीं, जीएसटी का, नोटबंदी का या लॉकडाउन का, बीजेपी का ये कहना है कि जीएसटी आई या नोटबंदी आई कि उसके फायदे हुए, और उसका जो रेफरेंस दे रहे हैं वो कि हम जीते, इलेक्शन भी जीत रहे हैं। अगर पब्लिक में इतना रिवोल्ट था तो इसके बावजूद फिर इलेक्शन कैसे जीते? तो एक बात मुझे बताइए, आप मेरे से मत पूछिए, ठीक है? आप किसी भी स्मॉल बिजनेस वाले के पास चले जाइए, दुकानदार के पास चले जाइए और उससे पूछ लीजिए, उससे पूछिए भैया जीएसटी से आपका फायदा हुआ या नुकसान, अचीवमेंट है या फेलियर है। फिर उससे आप पूछिए भैया एक बात बताना, ये जो डीमोनेटाइजेशन है 500,000 रुपए
पूछा है, छोटे दुकानदारों से बात की है, व्यापारियों से बात की है, किसानों से बात की है, वो तो कहते हैं कि भैया इन कानूनों ने हमें नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप जाइए थोड़ा यहां से बाहर जाइए, किसान से पूछिए, पंजाब के किसान से पूछ ली, ट्रैक्टर लिए घूम रहा है, सड़कें रोक रहा है। अगर अचीवमेंट था तो वो बाहर क्यों खड़ा है, पटाखे क्यों नहीं बजा रहा हूं? ट्रिब्यून लेट हर पास द माइक टू यू। हेलो, या राहुल जी, there is a general perception across the country that the an opposition with the Congress and other stakeholders is not as strong, and the BJP is able, you know, can you put the mic? Hello. Yes, so they are saying that a weak opposition across the country, including the Congress, do you think that the general perception, that is it so that the BJP is doing everything that they can just because the opposition is not united across many states and especially in Delhi and at the center? See, an opposition in any country functions within a framework. What is that framework? The framework is the press. The framework is the judicial system. The framework are institutions that protect the voice of the people. This is the framework. That entire framework has been captured. The entire architecture of giving voice to the people of India is captured and controlled by the BJP. You know that. In fact, you come from one of the newspapers that exerts a little bit of independence. That's not the case with most TV channels and newspapers. So, if the entire architecture of institutional architecture is captured, then to say the opposition is weak, that's not really a correct statement. Give me a free press. Give me institutions that are free. And the government will not last. I don't have that. I can take proof, clear-cut proof of, for example, the Rafael deal. I can bring it to you. Don't show it. Right? So, at a certain level, frankly, you're also not doing your job. And it's okay for you to blame the opposition and say, well, you know, the opposition is weak. But, my friend, you're also walking into slavery. Right? You're also walking into a place where you will become very uncomfortable. I'm fighting for it. You in your own way, I'm sure, are also fighting for it. But it is a bigger thing that has happened. Today, it's quite amazing. I don't think there is any other country in the world today where another country can occupy 1,200 square kilometers of its land and the media says nothing. Then I don't think there's any other country. I mean, I'm thinking about it. I think even in, you know, the weakest country, they will make a noise. India, they don't make a noise. The whole thing's captured. I went to Uttar Pradesh. Girl is raped. Neck is broken. Administration is attacking her. Administration is attacking the family. It's amazing. It is the result of a complete capture of the soul of this country. And it's a forcible capture. If it was captured with affection, I would be the first to stand by it. But it's a forcible capture. That's what we are fighting. And you will see, this fight will become more and more aggressive. Thank you, Arun Singh ji. And then Gurpreet Singh Chatha ji from Ajit thereafter. Hello. Rahul ji, आप उत्तर प्रदेश गए, आप पंजाब आए हैं, आप लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे। आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी इशू को उठाते हैं, बीजेपी की तरफ से एक वर्ड है, पॉलिटिकल टूरिज्म।
आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी कॉज को, किसी इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो उससे डेविएट करने के लिए, पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आप करिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि एक इंटरनेशनल साजिश है यूपी सरकार को बदनाम करने की, जो कुछ हो रहा है वहां पर हाथरस में, या यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खींचे, क्यों खरीदे। $1 billion, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा, मतलब एक पलंग नहीं 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों, क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव चेंज हो जाता है, आप पॉलिटिकल टूरिज्म वर्ड इसको दिया जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप अगली बार जब कोई इशू उठाने की सोचते हैं तो इससे निपटने का क्या उपाय आपके पास है। क्योंकि देखो, मैं अपना काम करता हूं, मैंने जैसे बोला मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है, उनका उधर डोमिनेंस है, मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना, उधर मैं काम करता हूं। अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवा को दिखेगा कि भाई यहां पे नरेंद्र मोदी जी टनल में वेविंग कर रहे हैं, मगर मुझे खाने को नहीं। किस बात की वेविंग कर रहे हैं वो टनल में, जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा। तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूं, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। शुक्रिया। कैन वी हैव गुरप्रीत सिंह जी फ्रॉम अजी? सर, मैं माइक देता हूं आप। हेलो सर, जैसे आपकी पार्टी बोलती है, आपके वर्कर बोलते हैं कि आप जब सत्ता में आए, आपकी सरकार कांग्रेस बनती है तो 3 बिल हैं जो आपने बोला कि हमने वो बंद कर देंगे। अगर वो बंद भी कर देते हैं, जो पोजीशन अभी है, कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, पहले भी पोजीशन खराब है, खुदकुशियां हो रही हैं, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है किसानी को बचाने के लिए? हमारे अगर मैनिफेस्टो को आप पढ़ें, और उसकी कॉपी मैं दे सकता हूं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं, अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही? तो हमारी जो फिलॉसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको तो मैं उड़ा देता हूं। अब ब्लैक मनी इज ए डिफिकल्ट चैलेंज, नरेंद्र मोदी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते मैंने नोटबंदी करती, खत्म हो गया, क्या लगा। तो बहाना है। अमरिंदर सिंह जी अभी बैठे हैं, अभी हमने मीटिंग की अंदर, देश पंजाब के युवाओं को रोजगार दिलवा रहे हैं। सिंपल मामला नहीं है, कैची फ्रेजेस से रिजॉल्व नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड बात अंदर चल रही है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। तो हिंदुस्तान को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मोहम्मद फ्रॉम NDTV एंड देन रोहित फ्रॉम भास्कर। सो यू हैव बीन मेंशनिंग इन योर स्पीचेस दैट यू विल सेव द फेडरल स्ट्रक्चर, यू आर फाइटिंग दिस फॉर सेविंग द फेडरल स्ट्रक्चर। In 1970s, the Punjabi Suba movement in Punjab was also for strengthening the federal structure, and it was crushed, and partly it is blamed on Congress party also. So why Punjab and Punjabis should trust you on this?
Punjabi should see my actions, right? And I can tell you, if you look at my political career, you can see my actions. Don't just look at my words. I came to Punjab and I've learnt a lot from the Punjabi people. In fact, if you were to ask me, you have given me more than I have given you. So I have in a sense, a debt to you. Karz hai. So in my mind, I believe that the people of this state, they have a particular spirit. That spirit has taught me quite a lot. I'll tell you a small story. I remember, and this has never left my sister or my mind ever. It will never leave. I remember when in 1977, my grandmother lost the election. There was no one in our house. Nobody. But there were Sikhs in my house. She was protected by Sikhs in 1972. I'll never forget them. Right? So I have, in my mind, it's a strange thing, but there is a debt that I feel I owe the people of Punjab. It's strange. In a similar way, I feel I owe a debt to the people of Tamil Nadu. I don't know why, but I have that feeling inside. So that's the first thing. Second thing is, look at my actions. Land acquisition bill. I fought, I got beaten up, I got abused. Niyamgiri, I fought, I got beaten up, I got abused. Manrega, abused. Right? Farm bill, I'm standing in front of the farm bill. I'm standing with the people of Punjab and saying, look, I've come here. I'm standing with you. I understand this is a risk for your future. So you look at my actions, you will see that I am a person who instinctively, I feel when I see some injustice being done, I feel for that person instinctively. If you see one strong man beating a weak man, automatically I am on the side of the weak. This may be a failing. In fact, this is why I get beaten up so much in politics. It might be a feeling here. Every time I'm also thinking to myself, yeah, why? But I have that inside me. If I feel that injustice is being done to Punjab, I'll be standing on Punjab side, no matter what. If I feel injustice is being done to the Dalit girl in UP, I'll go there. I'll get 2-3 lattes, no problem. That's my nature. That's what I've been taught. I don't know any other way. And frankly, I can see right now that my political path would have been much easier if I didn't have this. Agar ye mere andar nahi hota. But wo hai, ab main usko kaise nikalu? That's why people of Punjab should trust me. Thank you, sir. Rohit from Bhaskar. राहुल जी, मेरे आपसे दो सवाल हैं. एक पहला सवाल है कि जो किसानों के तीन ये जो अध्यादेश आए हैं, इसमें 15 करोड़ किसान ही नहीं, 75 करोड़ पीडीएस लाभार्थी भी प्रभावित होंगे. इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, मोदी जी ये कहते हैं कि भाई ये जो अध्यादेश आ रहे हैं, इससे किसानों को फायदा होगा, मंडी नहीं खत्म होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर अगर किसानों को फायदा होता तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते. अगर फायदा होता तो कोरोना के समय, जब किसान, जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि ये किसानों के हक में है? पंजाब में आके क्यों नहीं बोलते? पंजाब के किसानों के साथ खड़े होके क्यों नहीं बोलते? पहला सवाल, जैसे मैंने कहा, ये एक सिस्टम है. ये सिस्टम हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है. इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा. एंड में किसान की जमीन जाएगी, उसको सही दाम नहीं मिलेगा, न
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं, हजारों मंडी है हिंदुस्तान में, मंडियों में वर्कर्स काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, किसान जाता है, लोडर्स होते हैं, लाखों में होंगे हिंदुस्तान में, उनका क्या होगा? अंबानी जी अदानी जी ऑटोमेट कर देंगे, मशीनें लगा देंगे, ये जो लाखों लोग हैं जो आज एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करते हैं, इनका क्या होगा? ये सब गुलाम बनेंगे। तो ये रियलिटी है। थैंक यू सर। अब एक बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मगर इनको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया तो इनसे भी दो तीन सवाल पूछ लीजिए। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, विशाल भाई, प्लीज टेक द माइक। सर आप दोनों से ही है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी थी, इसीलिए उन्होंने तीन जो बिल थे वो लागू कर दिए जब टनल पे गए थे, तो उसके बाद क्योंकि पिछली सरकारें इनको लागू नहीं कर पाई थी और लगातार ही सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे स्टेट का मैनिफेस्टो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, चाहे 19 में आपका मैनिफेस्टो था कि एपीएमसी एक्ट को आपने बड़े जोर शोर से वहां पे उठाया था, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया जाएगा या अभी भी आप मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हुए हो? हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप करेंगे। अगर आप चार पॉइंट्स से शायद उसमें अगर आप पॉइंट्स देखें तो उसमें हमने कहा था हम फार्मर्स मार्केट डेवलप करेंगे, उसमें हमने कहा था कि हर चार किलोमीटर हमें हम मंडी लगाएंगे, उसमें हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म टू फॉर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन तीन कानून के साथ पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर दिया है, इसलिए पंजाब का किसान खड़ा है, इसलिए हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर सेशन बुला रहे हैं जल्दी इसको लेके। यू हैव टू टेक वन क्वेश्चन, कैन वी गो टू कंचन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस? सेशन वाला सर बता दीजिए जरा, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जी इसको लेके। स्पेशल सेशन भी प्लस लीगल जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और जो आदरणीय राहुल जी ने कहा, अगर आप 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसका बिंदु नंबर 7 क्लॉज नंबर 12 अगर पढ़ेंगे तो वहां फार्मर्स मार्केट का पूरा खाका दिया गया। धन्यवाद। कंचन जी। राहुल जी, योगी द सीएम ऑफ यूपी हैज सेड दैट हाथरस रेप वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab. The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother helping her through a medical checkup. I'm her son also after all and I have to look after my mother. Thank you. And they were, and madam, they were supporting that ordinance. The other thing is, yeah, of course, which the Akalis won't tell you, is that they have worked with the BJP. उनके साथ बीजेपी साथ उन्होंने सालों काम किया है, और जब ये तीन बिल पास हो रहे थे उनकी मदद अकाली दल कर रहे थे, तो वो तो पूरा पंजाब का किसान जानता है। आपका दूसरा सवाल क्या था? About the Hathras rape being a international conspiracy, Yogi ji has said. I mean, Yogi ji is entitled to his opinion. He is more than welcome to imagine whatever he wants to imagine. What I saw there was a lovely girl who was molested. Her neck was broken. Her family was threatened. And the people who did it, no action was taken against them. If Mr. Yogi sees an international conspiracy, well, that's fine. That's his prerogative. What I saw was a tragedy. The Chief Minister of Uttar Pradesh should have had the decency to say, this is a tragedy and I will look into it and I will protect this family and this girl.